नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश चुनाव और भी ज्यादा करीब आता नजर आ रहा है और लगातार सभी पार्टियों की तरफ से अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से 107 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन सी सीट से लड़ेंगे, इस बात को लेकर लगातार संशय बना हुआ था। कोई कह रहा था कि वो मथुरा से लड़ेंगे क्योंकि मथुरा के लोग चाहते हैं वो मथुरा से लड़े, कोई कह रहा था कि वो अयोध्या से लड़ेंगे क्योंकि अयोध्या की जनता की ये इच्छा है कि वो अयोध्या से लड़े, अयोध्या में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। और आखिरकार जो है, जब सीटों की घोषणा हुई, जब उस जगह की घोषणा हुई जहां से योगी आदित्यनाथ अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वो था उनका गढ़ गोरखपुर। अब ऐसे में गोरखपुर से उनके सीट के नाम की जो घोषणा हुई है, उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल है उन पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। लगातार इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यही चाहते थे और इसीलिए उन्हें यही मिला। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार से लोकसभा चुनाव वो जो है गोरखपुर से जीत कर उसके बाद आखिर में वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। अब ऐसे में जैसे ही गोरखपुर से उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आई, उसके बाद लगातार इस तरीके से जो पार्टियां हैं और उसके जो नेता है वो उन पर तंज कस रहे हैं और इसी में संजय राउत ने उन्हें लेकर क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की टक्कर और चक्कर राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी गोरखपुर से लड़े या अयोध्या से लड़े, ये उनका अधिकार है, लेकिन देश में जो अराजकता है, गंगा में लाशों को बहते जिस तरीके से देखा गया, इससे जिंदा लोग तो उन्हें वोट नहीं देंगे। यानी यहां पर एक शिवसेना नेता जो खुद हिंदुत्व का झंडा लेकर रहते हैं, जो खुद हिंदुत्व पर भरोसा करते हैं, वो इस तरीके की जो बोली है वो बोलते नजर आ रहे हैं। जब अयोध्या से लड़ने की बात हो रही थी तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा था, अब जब गोरखपुर से लड़ रहे हैं तभी भी इन्हें परेशानी है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि योगी जी कह रहे थे कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे और फिर कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें अपने ही गृह शहर में भेजा गया है। योगी जी को गोरखपुर में टिकट देना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। यानी नवाब मलिक का यह मानना है कि गोरखपुर से टिकट देना यानी बीजेपी कमजोर हुई है। वही गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वही गोरखपुर जहां से 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं वो, वही गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से वहां पर काफी काम किया, सारी चीजें की, वहां से 5 बार जीतने का मतलब है कि गोरखपुर की जनता उन्हें काफी ज्यादा प्रेम करती है। गोरखपुर की जनता जो है उन्हें काफी ज्यादा स्नेह देती है, इज्जत देती है, और यही कारण है कि 5 बार लगातार लोकसभा चुनाव वो वहां से जीत चुके हैं। लेकिन यहां से उनको टिकट देने का मतलब है कि ये नवाब मलिक को लगता है कि बीजेपी कमजोर हुई है। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे लेकर जब भी इस सीट की घोषणा हुई, जब भी अनाउंसमेंट हुआ कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, तो इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा था। वही अखिलेश यादव जो कि शुरुआत से ही हिंदू विरोधी रहे हैं, वही अखिलेश यादव जिन्हें मंदिर बनने से भी कष्ट था, वही अखिलेश यादव जब इनका राज था तो उस वक्त कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, उनके पिता ने कार सेवकों पर जो अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए चाहते थे, जो अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं सेवकों पर गोली चलाई गई थी और कितने लोग मरे थे। और ये आंकड़े अभी भी जो है गिनती बने रहे हैं, ये आंकड़े अभी भी जो है ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, अखिलेश यादव जो कहते हैं कि मैं भी मंदिर बनाने के लिए सोच रहा था, वही अखिलेश यादव की सरकार में जो है कार सेवकों पर गोली चली थी, वही अखिलेश यादव जब गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के नामों के अनाउंसमेंट हुआ कि वो वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबा को घर वापस भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी देवबंद और कभी प्रयागराज का नाम लिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पहले से घर भेज दिया। अब मुख्यमंत्री को गोरखपुर से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में सीएम के मेट्रो नहीं चला पाए, लाइनें नहीं बिछा पाई, वहां पे बिजली भी उन्होंने महंगी कर दी और वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। यानी सोचने की बात है, जब गोरखपुर में इतनी परेशानी थी तो 5 बार के लोकसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जीत गए। यानी अखिलेश यादव को जब वो अयोध्या से लड़े थे तब भी तकलीफ थी और अब गोरखपुर से लड़ रहे तब भी तकलीफ है। आपको बता दें कि शिवसेना भी जिस तरीके से इस वक्त अखिलेश यादव का समर्थन करती
नजर आ रही है। पहले भी संजय राउत जो है अखिलेश यादव के समर्थन में बोले थे कि उत्तर प्रदेश में जो हवा है बदल रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ जो है उत्तर प्रदेश की हवा झुकती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव का वो समर्थन कर रहे हैं, वही शिवसेना जिसके जो संस्थापक है वो बाला साहब ठाकरे है, जो एक कट्टर हिंदू थे, जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते थे। आपको बता दें कि एक नेशनल न्यूज चैनल के सामने उन्होंने ये बात कही थी कि बाबरी मस्जिद गिराने में उनका हाथ नहीं उनका पांव था। और ऐसे में एक ऐसे कट्टर नेता, एक ऐसे हिंदुवादी नेता जिनकी ये शिव सैनिक है, जो शिवसेना का उन्होंने नाम दिया, जिनका एजेंडा ही था हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, जिन्हें एक कट्टर नेता के तौर पर जाना जाता था और जो राम मंदिर के लिए भी हमेशा से एक सपोर्टर रहे हैं, आज उन्हीं के शिव सैनिक जिस तरीके से राम विरोधी लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से मंदिर विरोधी लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से राम सेवकों पर गोली चलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्शाता है कि राजनीति में किसी भी नीचे किसी भी लेवल पे एक इंसान जाकर गिर सकता है और किसी का भी समर्थन सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सत्ता पाने की लालसा से कर सकता है। आपको बता दें कि पहले ये अयोध्या से योगी के खिलाफ लड़ने वाले थे, इन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जिस भी सीट से उतारेंगे, जिस भी सीट से आने वाले हैं उसी सीट से हम जो है अपना प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां से आने वाले हैं। अब उन्हें जो है पता चल गया कि गोरखपुर से आ रहे हैं, तो इन्हें यहां भी तकलीफ हो रही है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लहर है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर जो एक प्रेम सम्मान सद्भावना के जो भाव देखने के लिए लोगों में मिल रहे हैं, ये इनके लिए अब मुश्किल बढ़ाता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लोगों के दिल को जीतते जा रहे हैं और जिस तरीके से सर्वेज निकलकर बीजेपी को प्रचंड जीत की जो घोषणा करते नजर आ रहे हैं, यहां से जो विपक्षी दल है वो हिल चुके हैं। और यही कारण है कि गोरखपुर से जो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उससे भी इनके अंदर डर पैदा हो गया है, क्योंकि गोरखपुर से 5 बार वो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो इस बार विधानसभा चुनाव जीतना भी बहुत ही ज्यादा श्योर माना जा रहा है, क्योंकि गोरखपुर उनका गढ़ माना जाता है, तो इस बार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जिस वक्त ये सवाल खड़े हो रहे थे, उस वक्त ये बात साफ थी कि इन्हें लेकर सवाल किए जाएंगे कि आखिर गोरखपुर से ही क्यों योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उस वक्त अटकलें ये भी तेज थी कि योगी आदित्यनाथ ने किसी भी विशेष जगह का नाम नहीं लिया है जहां से वो लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से ये पार्टियां तंज कस रही है और कह रही है कि गोरखपुर से लड़ना चाहते थे, बाबा को घर वापस भेज दिया गया है, वो पहले कह रहे थे, जैसे कि नवाब मलिक ने कहा, जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने पहले कहा कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, उन्होंने पहले कहा कि मथुरा से लड़ेंगे, उन्होंने कहा प्रयागराज से लड़ेंगे, और अब जो है वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कभी भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था कि वो मथुरा से लड़ेंगे या फिर वो अयोध्या से लड़ेंगे या फिर वो प्रयागराज से लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही, शुरुआत से उन्होंने यही कहा था कि मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा, इस बात की घोषणा और इस बात की जो आप कह सकते हैं पुष्टि, साथ ही साथ मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा इसका चुनाव मेरी पार्टी करेगी, यानी बीजेपी ही करेगी, और ऐसे में इसमें मेरा कोई भी बोलना या मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर एक को लेकर मेरी पसंद नहीं है, जहां से भी पार्टी कहेगी मैं वहीं से लड़ने के लिए तैयार हूं। यानी योगी आदित्यनाथ ने कभी भी मथुरा अयोध्या के नाम नहीं लिया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया था अयोध्या में, इसे देखकर अटकलें थी कि वो अयोध्या से लड़ सकते थे, जिस तरीके से मथुरा के जो ब्राह्मण हैं वो चाह रहे थे कि वो मथुरा से लड़े, वहां के जो लोग थे, वहां की जो जनता थी वो चाह रही थी कि वो मथुरा से लड़े, इसे लेकर अटकलें तेज थी कि हो सकता है वो मथुरा से लड़े, क्योंकि वहां पर भी कृष्ण मंदिर को लेकर विवाद है और लोग चाहते हैं कि वहां पर कृष्ण का भव्य मंदिर बने। तो हमेशा से ये अटकलें रही है, योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इस बात की घोषणा अपने तरफ से नहीं की थी कि कौन सी सीट से लड़ेंगे या कौन सी सीट से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत से ये कहा कि मेरी पार्टी जहां से भी चाहेगी मैं वहीं से लड़ूंगा, और इस बार उनकी पार्टी ने उनके पहले विधानसभा चुनाव के लिए गोरखपुर चुना है, क्योंकि गोरखपुर उनका गढ़ है और गोरखपुर में उनकी जीत सुनिश्चित है। और ऐसे में पार्टी का ये स्मार्ट मूव माना जा सकता है बीजेपी का, जहां पर उन्होंने गोरखपुर से ही उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने की जो बात है वो कही है। अब ऐसे में जो विपक्षी दल है, खासकर शिवसेना, जिस तरीके से अखिलेश यादव का समर्थन कर रही है, चूंकि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे हिंदू कट्टर नेता और उनके शिव सैनिक अब जो है मुलायम की टीम में है। अब जो है उनके अखिलेश यादव की सत्ता में जिस तरीके से राम सेवकों पर अत्याचार किया गया उनकी टीम पे है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जहां पर लोग इस तरीके से बदलते हैं। और सच में शिव सैनिक का इस तरीके से एक मंदिर विरोधी का समर्थन सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि आखिर ये पूरा मामला है कि और किस तरीके से गोरखपुर से जैसे चुनाव लड़ने की बात सामने आई है योगी आदित्यनाथ की, तभी से इस तरीके से जो तंज है वो कैसे जा रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपके जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।